बात करते हैं इस बार धनबाद की मिल रही बड़ी खबर के साथ। डीसी उमाशंकर की लापरवाही यहां दिखी है। सरकारी निर्देश को नजरअंदाज करते हुए नजर आए धनबाद के डीसी उमाशंकर। चार महीने के बाद भी झारखंड सरकार का लोगो नहीं बदलवाया है। डीसी कार्यालय में अब भी पुराना सरकारी प्रतीक चिन्ह है। हालांकि 15 अगस्त को ही सीएम ने नया लोगो राज्य का जारी किया था। अब सीएम के आदेश को भी तरजीह नहीं देते हैं डीसी साहब। डीसी साहब को अब भी है पुरानी सरकार से मोह। ये बड़ा सवाल है, आखिर क्यों नहीं लोगो बदलवाया। देखिये ये तस्वीर, अभी भी राज्य का पुराना लोगो ही लगा हुआ है। डीसी साहब ने आने के बाद तो अपना नेम प्लेट और बाकी चीजें बदलवा ली, लेकिन लोगो वही पुराना रह गया है जो 15 अगस्त को सीएम ने जारी किया था। वो प्रतीक चिन्ह, सरकारी प्रतीक चिन्ह, अब तक डीसी साहब ने नहीं बदलवाया है। हालांकि जो सरकारी नियम और आदेश होते हैं, जब सरकार के द्वारा ये नया लोगो जारी किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम सरकारी विभागों में यही लोगो, यही प्रतीक चिन्ह अब नजर आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी उदाहरण हैं। आप देखिए धनबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये वाकई कई सवाल खड़े करते हैं। क्या डीसी साहब को सरकार ने जो लोगो जारी किया है उसकी जानकारी नहीं? जानकारी है तो ये लापरवाही क्यों? क्या ये निर्देश और आदेश नहीं मानना चाहते हैं या नजरअंदाज करते हैं सरकार? क्या पुरानी सरकार से अब भी मोह है डीसी साहब को? ये बड़ी लापरवाही डीसी उमाशंकर की नजर आई है। सरकारी निर्देशों को किस तरह नजरअंदाज करते हैं? जब लोगो नहीं बदलाया गया चार महीने के बाद, तो बाकी निर्देशों का पालन कैसे होता होगा? हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं धनबाद से, सीधे रुख करते हैं अरुण का। अरुण, चार महीने हो गए, 15 अगस्त को ही नया लोगो जारी किया गया था, आखिर क्यों सरकारी निर्देश की अवहेलना या नजरअंदाज कर रहे हैं डीसी साहब? देखिए आसिया, ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि अधिकारी जो सरकार और उस मंत्री और मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के आदेश को अंगूठे ठेंगे पे रखते हैं। इसका प्रमाण आप धनबाद में देख सकती हैं। कई बार वरीय स्तर के मंत्रियों ने, नेताओं ने अधिकारियों के कारगुजारियों पर नाराजगी भी जाहिर की है, लेकिन आज का जो ये आप जो देख रही हैं धनबाद जिले का ये उपायुक्त कार्यालय है, जहां सीधे जिले के अधिकारी उमाशंकर सिंह खुद बैठते हैं, उनके कार्यालय में चार महीने के बावजूद अभी तक जो सरकार जो झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह बदली है वो नहीं बदला है। तो अब जब डीसी साहब का नहीं बदला है तो फिर उनके अधीनस्थों या उनके नीचे के अधिकारियों की क्या लापरवाही होगी? वैसा हम लोगों ने कई जगह के कार्यालयों में देखा कि अभी भी पुराने जो सिंबल है, जो पुराने सरकार का जो झारखंड का जो सिंबल बनाया था वही सिंबल लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो कितनी बड़ी लापरवाही है, और सरकार और विभाग, जिलाधिकारी और ये रवैया डीसी साहब का क्या दिखाता है? क्या सरकारी निर्देशों की उन्हें परवाह नहीं, फिक्र नहीं, या पुरानी सरकार से मोह नहीं जा रहा? देखिए कुछ आशिया, यही मैं बताना चाह रहा था, कुछ नेता तो दबे जवान में ये कह रहे हैं, जो ये इनका अभी भी पिछली सरकार से प्रेम जो इनका जा नहीं रहा है, इसलिए जो वर्तमान सरकार है या मुख्यमंत्री हैं उनके आदेश की तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? आप मान सकती हैं जब स्पष्ट एक जब जिला अधिकारी जिला के कार्यालय के द्वारा सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाए तो नीचे स्तर के अधिकारियों से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एकदम पूरे धनबाद जिला के जो अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, वो खुद सरकार का आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। जी, तो सरकारी आदेश की किस तरह अवहेलना हो रही है? आप देखिए ये सिर्फ एक लोगों की बात नहीं है। जब इस लोगों को जारी किया गया 15 अगस्त बाद, तो 15 अगस्त को, तो आखिर क्यों चार महीने बाद भी पुराना लोगो ही नजर आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया जा रहा है, इसे उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो बाकी निर्देशों का पालन कैसे होता होगा अरुण, ये आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए निश्चित रूप से जब ये जो सीधे स्पष्ट रूप से दिखने वाला आदेश है उस पर जब उसका जब अनुपालन नहीं हो रहा है तो ये जो अंदर खाने से जो निर्देश आते हैं सरकार के विभाग से या मंत्रियों या मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह के आदेश आते हैं वो सीधे पब्लिक जानती नहीं है, वह तो मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चलता है या फिर अखबारों के माध्यम से पता चलता है। तो धनबाद में तो डीसी साहब मीडिया से अपने आप को दूर कर रखे हैं, बहुत मुश्किल से उनसे बात हो पाएगी, मुलाकात हो पाएगी। अब उसका कारण वो कोरोना को दें या फिर कुछ और दें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो वो बहुत पर एक तरह से कहें परहेज करते हैं। इसकी बात की उसी के भी है अरुण, उनकी तल्खी पत्रकारों के लिए नजर भी आती है। और इस पर क्या कोई सवाल
डीसी ऑफिस में किसी से आपने उठाया कि आखिर क्यों लोगों ने ही बदली किया गया है? डीसी साहब तो सीधे मुझे जवाब देंगे नहीं। देखिए अब इस संबंध में अभी कुछ देर पहले जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने भी दूरभाष पर जब हम लोगों ने इस खबर को उठाया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, ये छोटी सी चूक है, गलती हो गई है, इसको सुधार लेंगे, इसको ज़्यादा तवज्जो ना दिया जाए। लेकिन ये जब एक नीचे स्तर का अधिकारी अगर इस तरह करे, कहीं छोटे से कोई कार्यालय में कहीं इस तरह की अवहेलना हो तो उसको एक बार माना जा सकता है, लेकिन अब जब जिले के अधिकारी और जो जिले के मुखिया हैं उनके द्वारा जब इस तरह की हरकत की जाएगी तो ये कहीं से टॉलरेबल नहीं है, और हमको लगता है जिसको झारखंड सरकार भी गंभीरता से लेगी और निश्चित रूप से इस पर कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जी अरुण, जो सूची होती है प्रशासनिक अधिकारियों की, वो सूची बदली या वो भी पुराना नाम लेकर चल रहे हैं कि इस पर ध्यान नहीं गया या फिर कोरोना की वजह से चेंज नहीं हुआ नेम प्लेट, क्या ऐसा दिखा आपको? देखिए आसिया, वो चूंकि डीसी साहब जल्दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले से मिलते नहीं है या कैमरे पे भी कुछ कहने से बहुत ही परहेज करते हैं तो ये इस बात का पता तो नहीं चला, लेकिन चूंकि ये आए हैं इस कोरोना के पीरियड में ही, अमित कुमार जी यहाँ पर पूर्व के डीसी थे, उनके बाद तुरंत कोरोना का जो असर था उस दरमियान ही उमाशंकर सिंह जी ने यहाँ उपायुक्त का पदभार ग्रहण किया था, तो बोर्ड पे तो उनके नाम है लेकिन सिंबल पे अभी क्या कुछ उनका परिवर्तन हुआ है या नहीं ये किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये देखने वाली बात होगी, जब सामने कार्यालय के बाहर जब नहीं बदला है तो अंदर की क्या स्थिति होगी कोई भी समझ सकता है। तो उपायुक्त कार्यालय की तस्वीर ही आप देख रहे हैं जहां पर अब तक झारखंड सरकार का नया लोगो नहीं लगाया गया है, जबकि 15 अगस्त को ही मुख्यमंत्री ने ये जारी किया था, उसके बाद तमाम जगहों पर एक एकड़ जितने भी सरकारी भवन है वहां पर ये लोगो चेंज कर दिया गया है, लेकिन अब तक डीसी ऑफिस में ये लोगो चेंज नहीं कराया गया है। और हमारे सहयोगी कोशिश भी कर रहे हैं कि डीसी से बात हो, मीडिया से वो सीधे मुखातिब नहीं होते हैं, अपने आप को मीडिया से वो दूर रखते हैं, और कई बार ऐसी शिकायतें भी मिली है कि उन्होंने किस तरह का व्यवहार पत्रकारों के साथ किया है। तो ये तस्वीर ये दिखाती है कि किस तरह सरकारी आदेशों की अवहेलना ऐसे जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं अधिकारी वो करते हैं। इस पर अरुण, आपने कहा कि कई लोग दबे जुबान में ये भी कहते हैं कि उनका मोह पुरानी सरकार से नहीं जा रहा है, जनप्रतिनिधियों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या रिएक्शन है इस पर? कुछ नेताओं ने, हालांकि अभी कैमरे के सामने कुछ कहा नहीं है, फोन से हमारी बात भी हुई, उन्होंने भी इनकी जो एटीट्यूड है उनसे नाराजगी जताई है, कहा है कि ये नौकरशाह हैं लेकिन नौकरशाह की तरह नहीं है, हिटलर की तरह काम करते हैं, इनका जो बातचीत करने या काम करने का तरीका है ये अपने आप में अनूठा है, ये किसी को तरजीह नहीं देते हैं। आसिया, मैं यहाँ तक बताऊँ कि इनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो भी दबे जुबान से इनसे परेशान है, लेकिन चूंकि ये पावर में है, उपायुक्त हैं, तो उनसे कुछ कहने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है इसलिए वो चुप रहते हैं, लेकिन नेता निश्चित रूप से इस पर अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो भी दबे जुबान में ही कह रहे हैं कि शायद इनकी पिछली सरकार से मोह अभी इनकी भंग नहीं हुई है, हालांकि नए सरकार में इनका यहाँ योगदान हुआ था लेकिन पिछली सरकार से मोह भंग नहीं हुए इसलिए ये सिंबल अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है। ये बड़ी लापरवाही है अरुण, किसी भी जिले का ये प्रमुख दफ्तर होता है जहां से तमाम योजनाएं संचालित होती हैं, मैंने पहले भी आपसे पूछा, और वहीं पर अगर सरकारी आदेशों की ऐसी अवहेलना की जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि योजनाओं का हश्र तब क्या होता होगा। एकदम निश्चित रूप से आसिया, ये माना जा सकता है जब इतनी बड़ी चूक स्पष्ट रूप से जब देखी जा सकती है तो योजनाओं का क्या कितना लाभ लोगों तक पहुंचता होगा और कितना उसमें इम्प्लीमेंट होता होगा ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो इसको हम ये इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार अपना आदेश दे, मेरे को जो मन आएगा, मैं इस जिले का अधिकारी हूँ, मैं जो मुझे जो समझ में आएगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा, अन्यथा सरकार अपना आदेश देता रहे मैं उस पर कोई एक्शन नहीं दूंगा। यही कुछ हाल धनबाद जिला प्रशासन का इन दिनों है। जी चलिए, शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो लापरवाही कहें या फिर हठधर्मिता या नजरअंदाज करना सरकारी आदेशों को, देखिए ये धनबाद डीसी में किस तरह अभी तक झारखंड सरकार का पुराना लोगो